क्या अब आप भी अपने आसपास के लोगों को कोरोना संक्रमित होता हुआ देख रहे हैं? क्या आप भी कोरोना से बीमार पड़ते और फिर उससे ठीक होते हुए लोगों को देख रहे हैं? और क्या आप भी ठीक हुए लोगों को देखकर ये सोच रहे हैं कि कोरोना तो कुछ भी नहीं है? क्या आपको भी अब लगने लगा है कि अब कोरोना खत्म हो चला है और इससे डरने की जरूरत नहीं है? अगर वाकई आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। कुछ जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और अब फिर से एक बार लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं। तो क्या भारत में भी फिर से लॉकडाउन हो सकता है या फिर यहाँ अनलॉक चलता रहेगा? और क्या दुनिया में फिर से लॉकडाउन का खतरा बढ़ता जा रहा है? आज के बिन मांगा ज्ञान में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। कहां कहां आई कोरोना की सेकेंड वेव? यूरोप के अधिकांश देशों में कोरोना की सेकेंड वेव देखने को मिल रही है। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, चेक रिपब्लिक और जर्मनी में कोरोना लौट आया है। इनमें भी सबसे ज्यादा खतरा जर्मनी और फ्रांस में सामने आया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने साफ तौर पर कहा है कि जर्मनी में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और स्थितियां गंभीर हैं। हालांकि एंजेला मर्केल ने ये भी साफ किया है कि जर्मनी में फिर से लॉकडाउन नहीं लगेगा। जर्मनी में मेडिकल सर्विस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कहां कहां लगा कर्फ्यू? फिलहाल कर्फ्यू फ्रांस में लगाया गया है। फ्रांस में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू अनाउंस किया गया है। कर्फ्यू राजधानी पेरिस और उसके आसपास के शहरों में लगाया गया है। बाकी फ्रांस के 8 दूसरे शहरों में सख्ती बढ़ा दी गई है। फ्रांस की ओर से देश में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। प्रधानमंत्री मैक्रों का कहना है कि आने वाले एक महीने तक फ्रांस में कर्फ्यू चलता रहेगा और सरकार किसी के भी विरोध की परवाह नहीं करेगी। जर्मनी में भी रात 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कहां कहां लगा है अब भी लॉकडाउन? वैसे तो दुनिया के करीब करीब सभी देशों में लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन इजराइल में अब भी लॉकडाउन चल रहा है। राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल में कम से कम 18 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इजराइल में कोई भी शख्स अपने घर से 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं कर सकता है। कहां कहां लगी है इमरजेंसी? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। वहां पर 10 नवंबर तक इमरजेंसी लगा दी गई है। वहीं इन तमाम देशों में न्यूजीलैंड ऐसा देश है जिसने अपने यहां से कोरोना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पहले भी न्यूजीलैंड में कोरोना खत्म हो गया था, लेकिन वहां भी दोबारा नए संक्रमित मरीज सामने आ गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से न्यूजीलैंड ने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है और वहां अब एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। क्या है भारत का हाल? बाकी अपने यहां का हाल भी पहले से बेहतर है। पिछले महीने जहां हर रोज करीब 1 लाख नए मरीज सामने आ रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा 68,000 का है। मौतों का आंकड़ा भी 700 से नीचे है। कोरोना संक्रमण के दोगुनी होने की रफ्तार अगस्त में मात्र 25 दिन थी, जो अब 70 दिन हो गई है। एक्टिव केस भी अब करीब 8 लाख हैं। ऐसे में भारत की स्थिति पहले से तो बेहतर हुई है, लेकिन जब तक दवाई नहीं आती, ढिलाई बरतने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी हमारा काम है आपको देश दुनिया की खबरों से अपडेट करते रहना, तो वो हम करते ही रहेंगे। बस डाउनलोड करिए एबीपी का लाइव ऐप और देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।